Hello, good morning everybody. आज इस वीडियो में हम देखेंगे MS Excel में conditional formatting के थ्रू किस तरह से हम birthday का remainder दिखा सकते हैं। तो आइए चलते हैं ये किस तरह से किया जाता है। कोई external, कोई dependent formula इसमें नहीं किया जाता है, सिर्फ हमें एक conditional formatting में एक formula दिया जाता है, उसी तरह से हम उस record को पूरा रिकॉर्ड को किस तरह से हम हाईलाइट करके दिखा सकते हैं वो देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। ये एक रिकॉर्ड है, तो इसमें मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ ये आ रहा है। अगर मान लो आज का डेट है 8 जनवरी 2018, तो इसको मैं कर लेते हैं 8 जनवरी। तो इसका आज डेट ऑफ बर्थ 8 जनवरी का है, तो आज का दिन 8 जनवरी 2018 है। तो आज का दिन इस रिकॉर्ड को कुछ हाईलाइट करके देखना चाहिए। तो वो किस तरह से किए जाते हैं चलते हैं। ये सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू दिखाने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले पूरा रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट कीजिए, इतना भी रिकॉर्ड से हेडिंग छोड़कर बाकी सारे रिकॉर्ड्स आप सिलेक्ट कीजिए। देन क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद आप क्लिक कीजिए न्यू रोल। अभी नया रोल में एक फॉर्मूला हमको डालना पड़ेगा, न्यू रोल में क्लिक कर दिया। तो अभी इसमें देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सेलेक्ट ए रोल टाइप, रोल टाइप को आपको सेलेक्ट करना। फिलहाल यहाँ के लिए हमको यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे जाना है। तो सेलेक्ट कर दिया उस ऑप्शन को, ये ऑप्शन है आपका यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स फॉर्मेट। अभी इसमें फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। अभी यहां पर आपको पूछ रहा है कि फॉर्मेट वैल्यूज ट्रू, इसमें जो फॉर्मूला आप देगा वो फॉर्मूला अगर आपको वैल्यू के साथ ट्रू होगा तो उस फॉर्मूला में इसे एंटर करना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है एक्सेल में फॉर्मूला अगर दिया जाता है तो इक्वल टू साइन से स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट कर दिया। अभी जैसे पहले एक वीडियो में बताया था कि डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट किस हिसाब से निकलता है, तो वो मंथ और डे का टैली करता है, तभी आपको डेट ऑफ बर्थ निकाला जाता है। साल का कोई मतलब नहीं होता है, साल क्योंकि इंक्रीज होता जाता है। अगर मंथ और डे आपको सही आ गया तो वो आपको उनका बर्थडे या कोई भी एनिवर्सरी मनाया जाता है। सेलेक्ट कर दिया मैंने, लिख दिया एंड। एंड का मतलब है कि दो चीज को हमको कंपेयर करना है, एक कंपेयर करना है मंथ को, एक कंपेयर करना है डेट को। तो एंड सबसे पहले मंथ, मंथ अभी कौन सा मंथ, किस मंथ के साथ, मैं इसको इधर लेके आ गया डेट ऑफ बर्थ, इसमें क्लिक कर दिया। इसमें क्लिक करने के बाद जैसे आप उसमें क्लिक करता है तो वो सेल आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मीनिंग है कि वो फ्रीज हो जाता है सेल, और सेल क्या हो जाता है आपका फ्रीज हो जाता है, वो कभी भी आपको खींचेगा, ड्रॉप करेगा नीचे की ओर, कहीं भी ले जाएगा, तो वो सेल कभी भी आपका सीक्वेंस वाइज उसको चेंज नहीं होता है। तो इसलिए F का कॉलम में पूरा हमें चाहिए, तो F का फ्रीज या F का जो डॉलर साइन है उसको रख देना है, 3 के जो डॉलर साइन है उसको निकाल देना है, निकाल दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ का मंथ, अगर इक्वल टू किसके साथ बराबर होगा तो मंथ, कौन सा मंथ के साथ बराबर होगा, तो आपका टुडे वाला डेट आना चाहिए, TUDAY। टुडे क्यों आएगा, टुडे इक्वल टू टुडे अगर लिख दिया ब्रैकेट ऑन और ऑफ कर दिया तो एक्सेल वो करंट डेट को रीड किया जाता है, तो इसको टुडे कर दिया। अभी यहां तक आप देखिए लिख दिया मंथ, किसका मंथ, डेट ऑफ बर्थ का, जो एफ कॉलम का जो भी मंथ होगा, जो भी एंट्री करेगा वो मंथ टुडे वाला, आज के डेट वाला आपका मंथ के साथ अगर कंपेयर हो गया, अगर टैली हो गया, एक कंडीशन हो गया, क्योंकि एंड दिया हुआ है तो इसलिए हमें नेक्स्ट कंडीशन डे, डी ए वाई,
अभी डे को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, सबसे पहले सेम है आपका डॉलर एफ थ्री के साथ, डॉलर एफ थ्री ताकि वही कॉलम जिसमें डेट ऑफ बर्थ हमने डाला हुआ है, इक्वल टू डे टुडे का डे के साथ वो होगा। तो अभी इसका ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, क्लोज करते ये हमने फॉर्मूला दे दिया, डेट ऑफ बर्थ में जो भी मंथ एंट्री होगा तो वो आज की डेट की बराबर मंथ और डेट अगर करेक्ट किया जाएगा तो फॉर्मूला दे दे। अभी फॉर्मेट, फॉर्मेट में हमने लिखना है, फॉर्मेट में हमने करना है कि क्या फॉर्मेट आना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ उस रिकॉर्ड को पूरा एक कलर से, पीला कलर से फिल करना चाहता हूँ। सिर्फ आपने फिल में क्लिक कर दिया, पीला कलर में क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, देन इधर भी आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ओके कर दिया। जैसे ओके कर दिया तो उस रिकॉर्ड आपका हाईलाइट करके दिखाने लग गया। आप देख रहे हो अभी मैं इसका डेट चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर दिया 7, तो ऑटोमेटिक उसका हाईलाइट निकल गया। अगर मैं 28 दिसंबर ये इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ आज का डेट की बराबर 08 = 01 कर दिया, 2002 का है। जैसे उसको एंटर करेगा ऑटोमेटिक वो रीड कर देता है, तो उसको हाईलाइट करके दिखाता है किसका डेट ऑफ बर्थ आज है। ये आप आज के लिए भी कर सकते हैं, एडवांस वार्निंग एडवांस रिमाइंडर के लिए आप कल का किसका आना चाहता है उसको भी कर सकते हैं, उसको मैं कैसे किया जाता है अगले वीडियो में और आपको दिखा दूंगा। तो इस वीडियो में आज ये इतने ही है, इस वीडियो को आप यूज करके देखिए बिना कोई भी दूसरा सेल का मदद ना लेते हुए आप एक वक्त रिकॉर्ड का अंदर में, एक्सेल पे एक रिकॉर्ड का अंदर में ही आप किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, दूसरा सेल का कोई मदद या हेल्प नहीं लिया जाता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको अच्छा लगेगा। कोई भी एक रिकॉर्ड में आप जल्दी से जल्दी किसी का भी एनिवर्सरी आने वाला हो उसको देखने के लिए ये ठीक लगेगा। अभी इस वीडियो में इतना ही है, अभी आपको फिर अगले वीडियो लेके आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे है तो इसको जरूर सब्सक्राइब या लाइक या शेयर या करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।